मुंबई दर्शन की बस कहाँ से पकड़ते हैं, कैसा सफर होता है और कितना फेयर है, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। महाराष्ट्र मुंबई का जो फेमस मॉन्यूमेंट है गेटवे ऑफ इंडिया बहुत ज़बरदस्त है, खूबसूरत है, तो मुझे सुबह और शाम दोनों टाइम जाने का मौका मिला। और ये है ताजमहल होटल जो उसके एग्जैक्टली सामने है, दोनों के व्यूज़ आपको ज़बरदस्त मिलेंगे। और हमारा जो मुंबई दर्शन का ट्रिप था उसके बीच में हमने बेस्ट बिरयानी इन मुंबई भी ट्राई करी, वो कहाँ ट्राई की ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो जो ये गेटवे ऑफ इंडिया का स्पॉट है बहुत ही खूबसूरत है, पीछे अरेबियन सी है जहाँ से आपको एलिफेंटा केव्स के लिए बोट्स भी मिलते हैं और अलीबाग जाने के लिए भी आपको बोट्स मिलते हैं। तो ये है गेटवे ऑफ इंडिया जो साउथ बॉम्बे में है। तो अगर आपको मुंबई दर्शन की बस से सफ़र करना है तो ये जो स्पॉट है ये टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत मेजर टूरिस्ट स्पॉट है गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ से आपको बहुत सारे बस ऑपरेटर्स मिलेंगे जो आपको सीट आप वहाँ से ले सकते हैं, और आपको एक पॉइंट बोलेंगे थोड़ा सा आगे है वहाँ जाकर रुकना है, वहाँ से आपको पिक करेंगे। इस सफ़र में रहेगा हमारे साथ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ रूट में आप क्या रहेगा। तो हमारे जो मुंबई दर्शन की बसें स्टार्ट होती है गेटवे ऑफ इंडिया से, या तो आपके होटल से पिक करती है वो, या तो गेटवे ऑफ इंडिया के स्टॉप से जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ से पिक करती होती जाती है। ये निरगोम चौपाटी का स्ट्रेच कवर करते हुए हम जाएंगे ऊपर हाजी अली दरगाह, और बहुत सारे ऐसे स्टॉप से वहाँ पे जाने के बाद बैंड्रा वाली सीलिंग से हम बैंड्रा एंटर करेंगे, वहाँ से फिल्म स्टार्स के पूरे घर दिखाते हैं और एंड करेंगे जुहू बीच पे। तो ये हमारा सफ़र हो चुका है शुरू, और यहाँ पे बीच बीच में ये कमेंट्री करते हैं, एक डेडिकेटेड गाइड होता है जो आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता है सब चीज़ों के बारे में। नारीमान पॉइंट एरिया में जितने भी बिल्डिंग है लेफ्ट और राइट साइड में टोटली ऑफिसर से रहने के लिए एक भी रास्ता अंदर बिल्डिंग नहीं, टोटली ऑफिसर बिल्डिंग है। नारीमान पॉइंट एरिया में उस एरिया को डेवलप किया था बीन नारीमान मार्केट से, उसी के नाम से उस एरिया का नाम रखा गया है नारीमान पॉइंट। क्रॉस होने के बाद हम लोग एरिया एंटर कर जाएंगे नारीमान पॉइंट एरिया। अभी गेटवे ऑफ इंडिया घूम के है, उस एरिया का नाम था कुलाबा, न्यू कुलाबा, पुराना नाम अपोलो बंदर। गाड़ी सिग्नल क्रॉस होने के बाद एरिया एंटर करेंगे नारीमान पॉइंट एरिया। ये जो मुंबई दर्शन की बस होती है इसमें सीट की पर पर्सन कॉस्ट होती है ₹250 से लेकर 300 के बीच में रहेगी आपको पर पर्सन की कॉस्ट। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको अगर विंडो सीट चाहिए तो इसमें कैसा होता है, जो सीट मिलेगी आपको उसमें आपको बैठना होता है, लेकिन सबको विंडो सीट चाहिए होती है। लेकिन जब ये होटल की जो मुंबई दर्शन की बस होती है ये सभी होटल से पिक करते होती है आती है, क्योंकि होटल्स में भी उनके पास ऑप्शन होता है बुक करने का, तो जो होटल में रुके होते हैं वो वहीं से बुक करते हैं। तो वहाँ से अभी अपने होटल से बैठकर आते हैं उनको विंडो सीट मिलती है, लेकिन विंडो सीट मिले या ना मिले आपको हर जगह रुकाकर वो बताते हैं, देखते हैं स्पॉट्स। तो यहाँ पे जैसे कि ये मरीन ड्राइव का स्पॉट है, यहाँ पे अभी हमारी बस जो है 5-10 मिनट रुकने वाली है सो दैट वी कैन इन्जॉय द व्यू एंड द स्पॉट, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा हमारा सफ़र। तो यहाँ पे देखिए ये जो राइट मरीन ड्राइव के इस तरफ से बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं पुराने पुराने, और उसके पीछे है वानखेड़े स्टेडियम। तो ये है द ब्यूटीफुल मरीन ड्राइव, दोपहर का ज़बरदस्त व्यू वहाँ पे देखिए, एयर इंडिया की बिल्डिंग दूर आपको बिल्डिंग पे एक एरोप्लेन दिख रहा है वो एयर इंडिया की बिल्डिंग है, और हमारी जो मुंबई दर्शन की बस यहाँ पे रुकी है ये होती है मुंबई दर्शन की बस। तो ये प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, जो गवर्नमेंट की मुंबई दर्शन बस होती है वो हेरिटेज साइट्स तक ही जाती है सिर्फ, वो अलग होती है, मैं आपको आगे दिखाऊँगा वीडियो में भी उसका एक व्यू दिखाऊँगा वो कैसी होती है। तो ये है मरीन ड्राइव, तो आपने बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा ये जो आइकॉनिक पत्थर है, तो ये बहुत सारी पिक्चरों में शूटिंग हुई है, और ये यू शेप है, तो ये रात को एक क्वींस नेकलेस जैसा दिखेगा आपको, तो इसको क्वींस नेकलेस भी बोलते हैं इस कंप्लीट स्ट्रेच को। तो उसके बाद हम निकल पड़े आगे के सफ़र के लिए। तो यहाँ पे जैसे जैसे जाते हैं तो वो आपको एक्सप्लेन करते हैं सभी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया पर पर्सन सीट कॉस्ट है ₹250 से ₹300 के बीच में। तो ये देखिए गिरगोम चौपाटी है, ये बहुत लंबा स्ट्रेच है, ये बहुत अच्छा बीच है, मैं बोलूँगा जुहू बीच से बहुत कई ज़्यादा गुना अच्छा जुहू बीच से ये गिरगोम चौपाटी का बीच है। तो मुंबई जब भी आप आते हैं तो इस बीच को ज़रूर जाएं, और इस बीच का जो स्ट्रेच के उस तरफ एक आइकॉनिक कॉलेज है बहुत पुराना विल्सन कॉलेज, जहाँ पे बहुत पिक्चरों की शूटिंग हुई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है गिरगोम चौपाटी, यहाँ पे देखिए ये जो कॉलेज आप देख रहे हैं विल्सन कॉलेज है, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कॉलेज, 90s के बहुत सारे हिंदी पिक्चरों में शूट हुआ है, यहाँ पे आशिकी शूट हुई है 90s की, बहुत सारे पिक्चरें शूट हुए हैं उस विल्सन कॉलेज में जो एक हिस्टोरिकल कॉलेज है। तो अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो अभी मुंबई के जो स्काई स्क्रेपर्स देखते गए, अभी राइट साइड में हमको मिलेगा एंटीलिया जो कि एक फेमस, यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको दिखेगा एंटीलिया बिल्डिंग। तो ऐसा करते करते हम जाएंगे जू, लास्ट में हमारा सफ़र एंड होगा जू में, यहाँ पे देखिए दिख रही है बीच में
जो बिल्डिंग दिख रही है आपको वो है एंटीलिया। तो अभी आगे जाने के बाद जो फेमस स्पॉट हैं महालक्ष्मी मंदिर है और इसी एरिया में हाजी अली दरगाह है जो फेमस दरगाह है। तो यहाँ पे रुकी है बस एक घंटा हमको यहाँ पे छोड़े, बस ने छोड़ा हम सबको लोगों को। तो जो जिसको जहाँ पे जाना है घूमकर एक घंटे बाद यहाँ पे मिलना है, लेकिन हमने उसी एक घंटे के बीच में हमने सोचा कि यहाँ से हमको पता चला एक नज़दीकी एक कैफ़े नूरानी रेस्टोरेंट है जहाँ की बिरयानी अच्छी होती है, मैंने सुना था। तो हम यहाँ पे दोपहर का लंच करने चले गए, 1:30 का टाइम था। तो ये लंच करने के लिए गए हम, यहाँ की बिरयानी हमने ट्राई करी और बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बिरयानी थी, बेस्ट बिरयानी है इन मुंबई बोलूँगा मैं। हमने मुंबई में 3-4 जगह ट्राई करी सब जगहों पे, लेकिन इनका जो बिरयानी थी बहुत ज़बरदस्त थी। इट्स अ मस्ट ट्राई एट कैफ़े नूरानी। तो इनकी ख़ास बात ये होती है कि जो इनका चिकन मैरिनेटेड होता है ज़बरदस्त, और जो चिकन जो मसाला होता है बिरयानी का बहुत अल्टीमेट टेस्टी होता है, ज़बरदस्त मज़ा आता है खाने में। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा बिरयानी का एट कैफ़े नूरानी। ये टाडेव रोड पे है एग्जैक्टली, जो हाजी अली दरगाह है उसके सामने जो रोड जाता है वहाँ पे है। तो ये एक घंटे के स्टॉप में हमने लंच कर लिया, उसके बाद यहाँ से ही हमको सबको पिक किया जाएगा एक घंटे के बाद। तो 2:30 बजे हम पिक होंगे। तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस ऑफ ईटिंग बिरयानी एट दी कैफ़े नूरानी होटल। तो ये आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको मिलेगा इसका लोकेशन, जो टाडेव रोड पे है हाजी अली दरगाह के एकदम जो रोड है सामने ही है ये, यहाँ पे देखिए इधर है ये। तो हम लोग यहाँ से गए थे, तो अभी यहाँ से हम पिक होंगे और हमारा सफ़र होगा शुरू। तो यहाँ पे बाजू में ही हाजी अली दरगाह है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। और इसके बाजू में उस तरफ से है महालक्ष्मी मंदिर जहाँ पे हमारा स्टॉप था। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में देखिए हाजी अली दरगाह, ये वाला जो रास्ता अंदर जाता है वो हाजी अली दरगाह को जाता है। और ये उसके बाद ऑफिशियली लंच के लिए रुकी थी एक जगह जहाँ पे, ये वर्ली में रुकी थी ऑफिशियल लंच ब्रेक हाफ एन आवर का। लेकिन हम लोग क्योंकि लंच कर चुके तो हम ऐसे ही थोड़ा घूमे, मैकलरन का शोरूम था, उसके बाद हम निकल पड़े। और अभी यहाँ से हम तो बांद्रा वर्ली सीलिंग स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट किया हमने वर्ली से और हम पहुँचेंगे दूसरे एंड पे जो कि होगा बांद्रा। वहाँ पे फिल्म स्टार्स के घर सब कुछ यहाँ पे इस मुंबई दर्शन के टूर में दिखाते हैं। और जैसे ही एक स्पॉट आया सब लोगों ने मोबाइल निकाल कर शूट करना शुरू किया। यहाँ पे एक आई थिंक ये कोलीवाड़ा है जहाँ पे बहुत सारी पिक्चरें शूट हुई हैं, तो सब लोग उसको देख कर इंजॉय कर रहे थे, फ़ोटोज़ भी ले रहे थे। तो ये है बांद्रा वाली सीलिंग का जो ब्रिज है, तो वो क्रॉस कर कर अब हम पहुँचेंगे बांद्रा। और वहाँ से बांद्रा के बाद आएगा एंड में जुहू जहाँ पे हम हमारा सफ़र ख़त्म करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी गौर से देखिए ये बस जो है ये है गवर्नमेंट की बस जो हेरिटेज साइट्स पे ही जाती है, जैसा हम जा रहे हैं वैसा नहीं कवर करती हो, तो वो स्पेसिफिक बस होती है, वो गवर्नमेंट की मुंबई दर्शन बस है। तो ये देखिए ये पहला घर था फिल्म स्टार्स का, आई थिंक एकता कपूर या रेखा जो फिल्म एक्ट्रेस है फेमस उनका घर था वो। अभी आएगा द फेमस मन्नत रेसिडेंस ऑफ शाहरुख खान। तो लेफ्ट में देखिए ये जो आप दिख रहा है ऊपर ये मन्नत है। और हम यहाँ से एक यू टर्न लेंगे और बांद्रा बैंड स्टैंड देखते हुए हम जाएंगे आगे की तरफ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मन्नत है। अभी हम यू टर्न लेकर यहाँ पे आपको मैं बैंड स्टैंड दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से बैंड स्टैंड यहाँ से शुरू होता है। तो अभी हमारा सफ़र एंड होने को है और 2-3 स्पॉट ही बचे हैं। और यहाँ पर अगर आप मुझे पूछें तो इस मुंबई दर्शन के पूरे टूर में आपको हाजी अली दरगाह, महालक्ष्मी मंदिर, सिद्धिविनायक टेम्पल और एक 3D शो होता है जुहू के जो म्यूज़ियम, एक साइंस म्यूज़ियम है वहाँ पे लेके जाएंगे। तो ऐसे स्पॉट्स होते हैं। तो ये है बांद्रा का एरिया जो फेमस है बांद्रा। और अभी आपको लेफ्ट में जो चर्च दिख रही है यहाँ पे तो फेमस पिक्चर है अमर अकबर एंटोनी, आपने देखी होगी, मैंने तो 4-5 बार देखी है। पुरानी पिक्चर है, अल्टीमेट ज़बरदस्त हिट फिल्म है अमर अकबर एंटोनी। उसका जो स्टार्टिंग का सीन होता है छोटे बच्चे वाला जो चर्च का, वो यहाँ पे शूट हुआ है। लेफ्ट में आपको चर्च दिखेगी, तो ये वो फेमस स्पॉट है और चर्च है जहाँ पे बहुत सारी पिक्चरें भी शूट हुई हैं। लेकिन जो मुझे इन्होंने बताया और मुझे पता चला कि ये है अमर अकबर एंटोनी का सीन यहाँ पे शूट हुआ है। तो इसके बाद हमारा आखिरी स्पॉट था जुहू बीच जहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। लेकिन इस स्पॉट को कवर करने के बाद वो आपको बस में बिठाकर आपके पॉइंट पे छोड़ते हैं, जैसे कि हमारा
स्पॉटा वीटी वीटी के अराउंड ही हमने रूम किया था। तो हम बस में बैठकर वापस वही रूट को वापस गए जहाँ पे लोग अपने हिसाब से उतरते गए अपने अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये है जुहू बीच का एरिया और राइट साइड में फेमस लैंडमार्क होटल है जो यहाँ के एरिया का लैंडमार्क है, एक होटल है राइट साइड में, ये देखिए। तो हमें ज़रूर बताएं कैसा लगा, इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, खुदा हाफिज़।